जय मसीह की। और एक बार आप सबों से मिलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। परमेश्वर भला है आपके लिए, परमेश्वर अच्छा ही करेंगे। आइए एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 12 और 13 वचन। व्यवस्था विवरण 10 का 12 और 13। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपना परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्ग पर चले, उसे प्रेम रखें और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करें जिससे तेरा भला हो। इस वचन में हम लोग ये पढ़ते हैं, इसके सिवाय और क्या परमेश्वर आपसे चाहते हैं। इसका मतलब आपसे और हमसे परमेश्वर का कुछ चाहत है, उसके अलावा और कुछ चाहत नहीं है। ये वचन मूसा ने इस्राएली लोगों को बताया, क्योंकि इस्राएली लोगों को अपना परमेश्वर यहोवा को किस रीति से आराधना करना, सेवा करना, ये मालूम नहीं। कारण 400 साल से अधिक साल मिस्र देश में वे लोग गुलाम के रूप में रहे और मिस्र में अलग अलग भिन्न भिन्न तरह का देवी देवता को वे लोग मिस्र लोग पूछते थे और उस मिस्र लोगों को आराधना, देवी देवता का उपासना, इसको ही ये लोग देखकर अनुभव कर 400 साल तक आ गए। अब अब्राहम, ईसाक, याकूब का परमेश्वर मूसा को आज्ञा देकर कह रहा है, इस्राएली लोगों को हम छुड़ाएंगे और उन लोगों का दूध और मधु बहने वाला देश में ले जाएंगे करके कहो करके, जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कहा, इसलिए लोगों विश्वास किए, महान हुए, क्योंकि हम गुलाम से आजाद होकर अपने नीच देश में हम जाने जा रहे हैं करके। लेकिन उन लोगों को यह मालूम नहीं, अपना जो परमेश्वर यहोवा है, जो अब्राहम, ईसाक, याकूब का परमेश्वर है, उनको कैसे आराधना करना और उनको चाहत क्या है, उनको हम कैसे उपासना करना, मेरा परमेश्वर को मुझसे क्या पसंद है, वो उन लोग को मालूम नहीं था। इसलिए मूसा ने अपने लोगों को समझा रहा है इस 5 बातों को, उस 5 बातों को खाकर कह रहा है, इसके सिवा परमेश्वर यहोवा आपसे और क्या चाहता है। हां भाई बहन, आज हम भी आत्मिक इज़राइली हैं, परमेश्वर हमसे भी इस 5 बातों को चाहता है, इसके अलावा और वो आपसे हमसे क्या चाहता है। वो 5 बात क्या है और एक बार मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहले व्यवस्था वारण 10 अध्याय का 12 वचन में, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है करके बोलकर, पहली बात यह है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भय मानो। सबसे पहली बात, परमेश्वर यहोवा आपसे हमसे ये चाहता है, हम उनको भय मानना चाहिए। और दूसरी बात, और उसके सारे मार्ग पर चलें। भय मानना और परमेश्वर का मार्ग पर चलना। और तीसरी बात, उससे प्रेम रखें, परमेश्वर को प्रेम करना। और चौथी बात, और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसको सेवा करें, सेवा करना। और पांचवी बात, यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि आज तुझे सुनाता हूं उसके ग्रहण करे जिससे तेरा भला हो। इस 5 बातों को जब हम करेंगे, परमेश्वर खुश होते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं
और आपके लिए मेरे लिए भला होगा। ये पांच बात क्या क्या है, और एक बार हम बोलना चाहते हैं परमेश्वर को बाय मानना, और दूसरी बात उसके सारे मार्ग पर चलना, और तीसरी बात उससे प्रेम रखना, और चौथी बात परमेश्वर को सेवा करना, और पांचवी बात परमेश्वर का आज्ञा और विधि को ग्रहण करना। हालेलुया। हम इस पांचों बातों को जल्दी से जल्दी कुछ हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। पहले परमेश्वर आपसे और हमसे ये चाहता है परमेश्वर को हम भाई माने। संसार में बहुत सा भय है, यूनानी भाषा में फियर, भय को तीन अलग अलग बातों से बोला जाता है। पहली बात यह है फोबिया, भय को फोबिया करके कहते हैं। ये जनरल फियर है, साधारण भय है, वो सबके पास है। कुछ लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने से भय आएगा, डर आएगा। जब हवाई जहाज जब उठता है, लोगों को दिल में एक भय समा जाता है, वो एक फोबिया है। कुछ लोगों को अंधेरा को देखने के समय भय आ जाता है, वो एक फोबिया है। और कुछ लोगों को कीड़ा मकोड़ा का देखने के समय भय आ जाता है, वो एक फोबिया है। और कुछ लोगों को बहुत सा भीड़ को देखने के समय भय आ जाता है, डर आ जाता है। घर में दो तीन आदमी के सामने अच्छा से बोलते हैं, लेकिन 100 आदमी के सामने बोलने के समय उनको मुंह में से शब्द नहीं निकलता है। कारण भय है, एक फोबिया है, और परमेश्वर इस भय को आपसे आराम से नहीं चाहता है। दूसरी भय को यूनानी शब्द में ऐसा बोला जाता है पैरानोया। वो एक शिकायत, वो एक बीमार है। उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है या प्रार्थना करना है, अद्भुत चंगाई मिलेगा। बिना मतलब का भय, डरने का कोई कारण नहीं, फिर भी दिल का अंदर एक भय समा जाता है, और उसको पैरानोया करके कहा जाता है। उसके लिए इलाज की जरूरत है या प्रार्थना के द्वारा आत्मिक चंगाई का जरूरत है। और तीसरी भय यूनानी शब्द में डेलिया, डेलिया। यह क्या है? यह आत्मिक भय है। आत्मिक भय का मतलब इसको हम समझना जरूरी है। परमेश्वर हमेशा मेरा साथ है करके महसूस करना, और उस महसूस एक भय को हमारा अंदर देता है। उस भय के चलते, उस डर के चलते हम परमेश्वर का प्रिय का जीवन बिताते हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर मिडस्ट, परमेश्वर का उपस्थिति हमारा साथ है करके महसूस करना, वही डेलिया। जब उसको महसूस करेंगे तब हम पाप नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक क्लासरूम में जब टीचर है तब सारा स्टूडेंट चुपचाप रहता है, कोई वहां नटखट नहीं करता, कोई खेलता नहीं है। लेकिन जब टीचर वहां से हट गया, टीचर का अनुपस्थित में क्लासरूम का वातावरण कैसा रहता है? बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं, खेलते हैं, बदमाश करते हैं। जब टीचर है तब वे लोग उस टीचर का उपस्थिति को जानकर एक भाई, जब टीचर नहीं है उनके पास वो भाई नहीं है। हाँ भाई जी, हाँ बहन जी, हमारा जीवन में हमेशा परमेश्वर हमारा साथ है करके हम महसूस करना, वो महसूस हमारे लिए एक डेलिया को, फियर को देगा, भाई को देगा। उस भाई मानना परमेश्वर को प्रसन्न है। कोई भी हमारा साथ हो या ना हो, परमेश्वर हमेशा हमारा साथ है। परमेश्वर का उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, करते हो या ना हो, परमेश्वर हमेशा मेरा साथ है करके हम विश्वास करना, वो विश्वास हमारा दिल में एक भय को देता है। उस भय के चलते हम पाप नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए बोलेंगे तो यूसुफ, जब पोतीबार का पत्नी ने यूसुफ से आके कह रहा है मेरा घर में कोई नहीं, चलो हम पाप करेंगे,
लेकिन यूसुफ ने क्या कहा, मेरा परमेश्वर का विरोध में कैसे हम ये पाप को कर सकते हैं? क्योंकि यूसुफ को ये मालूम है हमेशा परमेश्वर मेरा साथ है, भले पोतीवार नहीं है, भले और नौकर नौकरानी नहीं है, घर में कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति मेरा साथ है। इसके चलते हम परमेश्वर को भय मानेंगे और उस भय पाप से हमें दूर रखता है। हाँ भाई बहन, इस भय को परमेश्वर चाहता है। हम परमेश्वर का उपस्थिति को जानकर महसूस कर हमेशा उनको भय मानना, हमारा घर में हो या हमारा ऑफिस में हो या हमारा कोई कहीं यात्रा में हो, मेरा साथ कोई भी हो या ना हो, परमेश्वर है, उसको हम महसूस करना और उस परमेश्वर को भय मानना। एक क्वेश्चन को मैं पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 33:18-19 वचन। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहता है कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाएं और अकाल के समय उनको जीवित रखें। प्राण को मृत्यु से बचाने के लिए, अकाल के समय में जीवित रखने के लिए यहोवा का दृष्टि उनको भय मानने वाला को ऊपर हमेशा रहता है। जब आप परमेश्वर को भय मानेंगे, परमेश्वर मेरा साथ है, उनको उपस्थिति हमेशा मेरा साथ है करके समझकर जैसे आप जब आप भय मानेंगे तो परमेश्वर आपको मृत्यु से बचाएगा, परमेश्वर आपको अकाल से बचाकर तृप्त रखेगा, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। और दूसरी बात, परमेश्वर आपसे और हमसे क्या चाहता है? व्यवस्थावरण 10:12 में दूसरी भाग हमने ये पढ़ा, उसके सारे मार्ग पर चलें। परमेश्वर आपके लिए और हमारे लिए जो मार्ग को तय किया उस मार्ग पर हम चलना चाहिए। मसीह जीवन एक यात्रा का जीवन है। जिस दिन आप उदार पाए हैं उस दिन से लेकर परमेश्वर का आगमन तक या हम मरने के समय तक, मृत्यु पाने के समय तक, मसीह जीवन एक यात्रा का जीवन है। उस यात्रा का जीवन में परमेश्वर का मार्ग पर हम चलना चाहिए। बहुत से विश्वासी लोग इस यात्रा में रुक चुके हैं, आरंभ किए, लेकिन अब यात्रा में वो लोग आगे नहीं जा रहे हैं, वो लोग चल नहीं रहे हैं, आत्मिक जीवन में वे लोग खड़ा हो गए, स्टॉप हो गए, रुक गए। और कुछ लोग उस आत्मिक जीवन में बड़ी तेज से दौड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का चाहत यह नहीं है आप रुके भी नहीं, आप दौड़े भी नहीं, बल्कि परमेश्वर उस आपका जो मार्ग रखा है उस मार्ग में आप चलते ही रहें। God wants you to walk with him every day। मसीह जीवन जल्दी से तेज से दौड़ने वाला एक दौड़ नहीं है। धीरज धरकर हर एक दिन परमेश्वर का मार्ग पर, परमेश्वर का हाथ पकड़कर चलने का एक काम है। परमेश्वर आपके लिए प्रत्येक मार्ग को रखा। यू आर यूनिक एंड गॉड हैज ए यूनिक वे फॉर यू। आप विशेष है, आप श्रेष्ठ है, आपके लिए परमेश्वर एक श्रेष्ठ मार्ग को रखा। आपके लिए ये अलग मार्ग है और हमारे लिए परमेश्वर अलग मार्ग को रखा। जिस मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया उस मार्ग पर हम हमेशा धीरज धरकर हम चलते ही रहना चाहिए, हम रुकना नहीं या तेज से दौड़ना नहीं, क्योंकि मसीह जीवन में बहुत से लोग दौड़कर थक गए हैं। औरों को देखकर, उस सेवक लोग को देखकर, अन्य विश्वासियों को देखकर उनके जैसा हम बदलना, इनके जैसा हम बदलना सोचकर जल्दी से दौड़े, अपने मार्ग पर नहीं चले और इसके चलते वे लोग थक चुके हैं। यू आर यूनिक एंड गॉड हैड ए यूनिक वे फॉर यू। आप श्रेष्ठ है, परमेश्वर आपके लिए एक श्रेष्ठ मार्ग को रखा,
उस मार्ग में जब आप चलें, औरों को देखकर कॉपी मत कीजिए और औरों को देखकर औरों से आपको तुलना मत कीजिए. डोंट कॉपी एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स बिकॉज यू आर स्पेशल एंड यू हैव अ यूनिक वे फॉर यू. आप श्रेष्ठ है इसलिए परमेश्वर आपके लिए एक श्रेष्ठ मार्ग को रखा. औरों को देखकर उसके मार्ग पर मत चलिए. औरों को देखकर औरों का अनुसार बदलने के लिए कोशिश मत कीजिए. परमेश्वर आपके लिए एक अलग मार्ग को रखा, उस मार्ग में आप चलिए. उसके सारे मार्ग पर आप चलिए. डोंट रन. बहुत से लोग परमेश्वर का जो परमेश्वर जो हमें मार्ग रखा उस मार्ग से अलग होने के लिए चाहते हैं और उसको छोड़कर दूसरों को मार्ग पर चलना चाहते हैं. जब दौड़ का रेस है, ट्रैक बदल कर दौड़ेंगे हम फाउल हो जाते हैं, हमारे लिए इनाम नहीं मिलता. तो परमेश्वर आपके लिए जो ट्रैक रखा है उस ट्रैक पर चलिए. आपके लिए जो मार्ग रखा है उस मार्ग पर चलिए, दौड़िए, तब आप इनाम को प्राप्त करेंगे. और तीसरी बात, परमेश्वर आपसे और हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर को प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम रखें. इस दुनिया में करोड़ों देवी देवता है लेकिन उनमें से कोई भी देवी देवता अपने प्रजा से या अपने विश्वासियों से प्रेम करो करके नहीं बोला और प्रेम को नहीं मांगा. लेकिन हमारा और आपका परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है. वो आपको और हमको प्रेम किया इसलिए बदले में हमसे आपसे प्रेम को चाहता है. परमेश्वर प्रेमी है. परमेश्वर दिल से आपको प्रेम किया और दिल से हमसे प्रेम किया इसलिए बदले में हमारा प्रेम को भी परमेश्वर चाहता है. और परमेश्वर ये बोलता है, मुझे प्रेम करो. हाँ भाई बहन, आप अपने परमेश्वर को पूरा दिल से प्रेम कीजिए और उस प्रेम को दिखाइए. God demonstrated his love. परमेश्वर अपना प्रेम को प्रकट किया. कैसे? अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को जब हम पापी ही थे उसी समय में देखकर प्रेम को प्रकट किया. वैसे ही आप भी हम भी परमेश्वर का प्रति जो प्रेम रखे हैं उस प्रेम को प्रकट कराने के लिए परमेश्वर चाहता है. How can you demonstrate your love to God? आप अपना प्रेम को परमेश्वर को कैसे दिखा सकते हैं? आप परमेश्वर से कह सकते हैं, हे प्रभु मैं आपको प्रेम करता हूं. Lord, I love you, Jesus. आप बोल सकते हैं. परमेश्वर का कुछ सेवा करके, परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करके आप परमेश्वर को अपने प्रेम को दिखा सकते हैं. परमेश्वर के कामों में देखकर आप अपना प्रेम को दिखा सकते हैं. कलिशिया में जब भी हम इकट्ठे होते हैं हम परमेश्वर का प्रति अपना प्रेम को हम दिखाते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिंग अवर लव. परमेश्वर को आप प्रेम करो. और चौथी बात, उसके सेवा करो. परमेश्वर आपसे हमसे ये चाहता है, उसको सेवा करो. सेवा करना मात्र सेवक का काम नहीं है, उदार पाया हुआ हर एक व्यक्ति का काम है हम परमेश्वर के लिए सेवा करना. सेवा में छोटा सेवा, बड़ा सेवा कुछ नहीं है. हम जो हमारा मालिक परमेश्वर है उनके लिए हम सेवा करते हैं, बस इतना ही जरूरी है. बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं 11 घंटा में, अंतिम घंटा में जो काम करने के लिए आया और उनको भी परमेश्वर ने पूरा दिन जो काम किया उनके बराबर करके उनको तनख्वाह दिया. हाँ परमेश्वर, आप ये हो सकता है आप ये बोल सकते हैं, मेरा पास खूबी नहीं है, मेरा पास कुछ क्षमता नहीं है, हम परमेश्वर के लिए क्या कर सके. जो आप जानते हैं, जो आप कर सकते हैं परमेश्वर के लिए उसके कीजिए. वो परमेश्वर की सेवा है. आप अपना चर्च को झाड़ू मार सकते हैं, साफ कर सकते हैं, वो एक सेवा है. बीमार लोगों को जाकर आप हाथ लगाकर प्रार्थना कर सकते हैं, वो एक सेवा है. परमेश्वर का प्रेम को अन्य लोगों को बीच में आप गवाही के रूप में बोल सकते हैं, वो एक सेवा है.
कलिशिया में सह विश्वासी भाई 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 बहनों को आप कुछ खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, वो एक सेवा है। आप अपना पास्टर के साथ मिनिस्ट्री के लिए जब जाते हैं वो एक सेवा है। अपने चर्च में जो भी काम है, इलेक्ट्रिकल काम है या कुछ भी काम है, उस काम में आप मदद करते हैं, वो एक सेवा है। और परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के लिए सेवा करें। हम जो अन्न खाते हैं वो परमेश्वर का दया है। उस परमेश्वर का दया को हम जब हम अनुभव करते हैं, उनके प्रतिफल हम परमेश्वर के लिए कुछ काम करने के लिए परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर का राज में आलसी का जहां नहीं है, परमेश्वर उनके लिए हम कुछ करने के लिए, उनका सेवा करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। और अंतिम में यहोवा का जो आज्ञा है, जो विधि है, उसको ग्रहण करना, पूरा मन से ग्रहण करना। परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का विधि ये बाइबल में है, बाइबल का वचन है। जब इस बाइबल का वचन को रोज पढ़ेंगे और उसको ग्रहण करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। इस पांच बातों को अलावा, इसके सिवाय परमेश्वर और क्या चाहता है? परमेश्वर आपसे हमसे यही बातों को चाहता है। हमारा चर्च में और हम सेवा में जो कुछ करते हैं, इस पांच बातों के अनुसार ही होना चाहिए। इस पांच बातों को सिवाय, इसके अलावा परमेश्वर आपसे और हमसे और क्या चाहता है? जब इस पांचों बातों को हम करेंगे, हमारे लिए भला होगा। और एक बार व्यवस्थावरण 10 अध्याय का 12-13 वचन को हम पढ़कर हम अंत करने के लिए अंत करना चाहते हैं। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भय मानो और उसके सारे मार्ग पर चलें, उसे प्रेम रखें और अपने पूरा मन और अपने सारे प्राण से उसको सेवा करें। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता है, उनको ग्रहण करें जिससे तेरा भला हो। आइए आंख बंद करेंगे, इस पांच बातों को हम करेंगे, हमारे लिए भला है। और इसके सिवाय परमेश्वर आपसे और हमसे कुछ अन्य बातों को नहीं चाहता। इसके अलावा और क्या चाहता है? आप और हम, हमारा कलीसिया में, हमारा सेवा में जो भी करें, इसके अनुसार ही होना चाहिए, इसको सपोर्ट करना ही होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा, इसके सिवाय आप हमसे क्या चाहता है प्रभु? इस पांच बातों को हम अपना जीवन में, हम सब अपना जीवन में आपके लिए पूरा करने के लिए और आपको दिल को खुश कराने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए। प्रभु जी, इस वचन को सुना सारे भाई बहन को यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष करता हूं। सारा कमी, सारा गट्टी यीशु के नाम से दूर होने पाए। आशीष कर प्रभु, सारे इज्जत आदर महिमा आपको देते हैं। ना श्री यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मैं मांगता हूं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर जो आपसे चाहता है, उसको आप परमेश्वर कर दें, उसके द्वारा आपको जीवन में भला होगा। गॉड ब्लेस यू।